बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, राजधानी भोपाल में आरएसएस की समन्वय बैठक हो रही है। बैठक में आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। एमपी सरकार के कामकाज और आगामी कार्यक्रम को लेकर यह बैठक है और बैठक में मंथन हो रहा है। बता दें, बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाम को पहुंचेंगे, पर उससे पहले अभी भी मंथन जारी है। दिग्गज इसमें पहुंच चुके हैं और आपको यह भी जानकारी दे दें कि सीएम शाम तक पहुंचेंगे, क्योंकि आज बड़ा कार्यक्रम भी जबलपुर में रखा गया है, उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं सीएम और शाम तक इस बैठक में पहुंचेंगे। संघ संगठन सरकार में समन्वय कैसे रहे, साथ ही साथ किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, किस तरह काम करना है, ये तमाम वो मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा लगातार हो रही है। और इस खास बैठक में पहुंचेंगे सीएम कुछ समय के बाद, शाम को कहा गया है कि शाम को सीएम पहुंचेंगे। आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक शुरू हो चुकी है। ये समाज सेवा न्यास का दफ्तर है जहां पर सारे प्रमुख पदाधिकारी चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। सबसे अहम बातें, संघ के सह सरकारवा अरुण कुमार खुद इस बैठक के लिए खास तौर पर आए हैं। वो संघ और बीजेपी के बीच का समन्वय का काम संभालते हैं और इस कार्यालय में आज अरुण कुमार बैठकर सारी रणनीति पर बात कर रहे हैं। खास करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ मौजूद है, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद है, इसके अलावा संघ के मध्य क्षेत्र के प्रशासक स्वप्निल कुलकर्णी मौजूद हैं। यहाँ पर जो बैठक है उसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब आगे सरकार की और संगठन की कार्यशैली कैसी होगी, किस तरह उनको अब काम करना है, उस रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो रोड मैप बनाना है संघ के कार्यों को किस तरह आगे बढ़ाना, इसको लेकर चर्चा होगी। इसी तरह यहाँ पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शाम को पहुँचेंगे, एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू होगा। तो संघ के सारे प्रमुख पदाधिकारी मौजूद हैं और अब आगे के मिशन को लेकर, रणनीति के साथ ही और क्या काम करना है, इस सब की जिम्मेदारी भी संगठन को दी जाएगी। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगर हम कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और संघ यानी आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमने मतभेद भी बहुत ज्यादा देखा, तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे सकारात्मकता आएगी आने वाले समय में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा। देखिए जिस तरीके से संघ कभी सामने रहकर कोई भी राजनीतिक बात नहीं करता है, लेकिन बंद कमरे में जरूर वह अपने जो सहयोगी जो अनुवांशिक संगठन है बीजेपी और उनके नेताओं के साथ जरूर लगातार चर्चा करता रहता है, खासकर उस बात को लेकर के देखिए संघ का क्या पैटर्न है, किस तरीके से वो काम करते हैं और क्या बीजेपी उसी पैटर्न पर आगे काम कर रही है। और खासकर जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे, खासकर चाहे वह हिंदू जनसंख्या को लेकर हो या तमाम जो ऐसे सामाजिक मुद्दे जिनको लेकर संघ भी आगे बढ़ रहा है, तो उन मुद्दों को लेकर आज जो है अहम चर्चा का दौर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जारी है। संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और भाई मध्य प्रदेश की अगर बीजेपी की तरफ से बात करूं तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद हैं। देखिए कई दौर की जो है वो लगातार ये बातचीत हो रही है, सरकार से जो संगठन है उससे फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव के बाद क्या स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में, लोकसभा चुनाव के बाद क्या स्थितियां हैं, जनता का क्या फीडबैक है सरकार के प्रति, खासकर जो एजेंडे सेट किए गए थे उस पर किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है और आने वाले चार साल में किस तरीके से बीजेपी को खासकर संगठन के जो एजेंडे हैं, संघ के जो एजेंडे हैं उनको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस सब को लेकर जो मंथन है वो लगातार जारी है। देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी फिलहाल जबलपुर में हैं, लगभग 5 से 5:30 के बीच वो लगभग यहां भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद वह खुद भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि कई बार जो है वो केंद्र की तरफ से हमने देखा कि कई बातें संघ की तरफ से ऐसी कही गई जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा करती है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में ये बैठक हो रही है, तमाम संघ के बड़े पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, तो निश्चित तौर पर दोनों के बीच में समन्वय बिठाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी संघ को इस भरोसे में भी लेने का प्रयास कर रही है कि जो काम किए जा रहे हैं वो संघ के एजेंडे पर ही आगे बढ़ाया जा रहा है। वाली बात होगी जो कोशिश संघ से समन्वय बिठाने की हो रही है वो किस ओर जाती है। फिलहाल आप बैठक पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यूपी की तर्ज पर एमपी में भी दुकानों पर दुकानदार के नाम लिखे होने की मांग अब होने लगी है। इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदुला ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा और मांग की है कि दुकान पर
मालिक के नाम लिखने के लिए नियम बनाए जाएं। उनकी माने तो दुकान के बाहर मालिक का नाम लिखने से दुकानदार की गुडविल बनेगी। तो बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने भी यूपी की तर्ज पर एमपी में दुकानों के बोर्ड पर मालिक के नाम लिखने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जहां जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी उस रास्ते के दुकानों पर मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुकानों पर मालिक का नाम लिखा नहीं मिला तो अपने हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री से सहमत हूँ, योगी जी से, आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। हमारी कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले उस मार्ग के बाहर जितने भी बोर्ड लगे हैं उन बोर्डों पे आइडेंटिटी होना आवश्यक है कि वहाँ उनके उनका नाम, उनकी दुकान का नाम और उनका पता कि ये राजेंद्र दीक्षित है, फलाना इसकी दुकान है, उसमें बुराई क्या है, नाम लिखना लिखा होना चाहिए। और किसी ने अगर छुपाया तो फिर? छुपाया तो फिर उससे निपटेंगे अपने तरीके से। मांस मटन की दुकान को भी प्रतिबंधित, जिस मार्ग से कांवड़ यात्रा निकल रही है उस मार्ग से मांस की दुकानों पे कम से कम वो दुकानें पूरी तरह से ब्लैक कांच, काले कांच या पर्दे से ढकी होना चाहिए। इंदौर में दुकानों पर दुकान मालिक का नाम लिखने की मांग पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि दुकानों के बाहर प्रोप्राइटर का नाम लिखा होना चाहिए और ऐसा नियम कि दुकानदार का नाम लिखा हो। उनकी माने तो अगर प्रदेश में नियम बनता है तो ये अच्छी बात है कि अपनी स्वयं की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में किसको आपत्ति है। नियम में भी किसी भी दुकान के बाहर आपको प्रोप्राइटर का नाम लिखना है, तो अपने संस्थान का नाम और प्रोप्राइटर का नाम यदि लिखते हैं तो अच्छी बात है, पता रहे ना। मान लो किसी ग्राहक के साथ कोई धोखाधड़ी हो, ग्राहकों के नियम का उल्लंघन हो, तो वो ग्राहक किस प्रोप्राइटर को नोटिस दे ये मालूम होना चाहिए। और अगर रमेश मेंदोला जी ने इस बात के नियम नहीं है और नियम बनाने के लिए चिट्ठी लिखी है तो ये स्वागत योग्य है। इंदौर में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ का बयान सामने आया। दुकानों पर नेम प्लेट की मांग को लेकर समर्थन उन्होंने किया है। गंदे तरीके से खाना परोसा जाता है। मालिनी गौड़ ने यह भी कहा पहचान होनी चाहिए, नाम लिखने का फैसला हो। कुछ लोग नाम बदलकर लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। हिंदू त्योहारों पर मीट दुकानें भी बंद होनी चाहिए, ये भी बात कही गई है, ये भी बड़ा बयान दिया गया है। मैं खुला बोल रही हूँ कि जिस तरह से दुकानों पर अपना नाम छुपाकर जो दुकानें चला रहे हैं उन पे भी एक्शन होना चाहिए। और मांस मटन की जो दुकानें खुली दुकानें जो बिल्कुल ओपन तरीके से लोग बेचते हैं उसको कवर्ड करने का निर्देश भी जारी किया था, तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली होना चाहिए। और नाम की पहचान तो होना ही चाहिए। हर चीज़ पे थूक डालकर जो बेचते हैं उसमें सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए। खासकर बेटियों से निवेदन करती हूँ कि इनके जाल में ना फंसे। जिस प्रकार से अपना नाम छुपाकर जो बरगला कर बच्चियों को ले जाते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इस बीच दुकानों पर मालिक का लिखने को नाम लिखने को लेकर एमपी की सियासत गर्मा गई है। रमेश मेंदोला के पत्र पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने सीएम को पत्र लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जाति धर्म की राजनीति कर रही है। इसी के साथ ही उन्होंने एमपी में यूपी मॉडल की मांग को चिंता का विषय बताया है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक द्वारा की गई ये मांग ये बेहद आपत्तिजनक मांग है। और इसका कारण यह है कि आप देखें कि दलितों के खिलाफ आज भी इस समाज में पूर्वाग्रह जो है मौजूद है। कई जगह हमने ऐसी देखी है जहां मिड डे मील तक में भी क्योंकि दलित समाज की महिलाओं ने वो भोजन बनाया तो उसको खाने से बच्चों ने मना कर दिया है। और लगातार दलितों के द्वारा जो भोजन बनाने वाली संस्थाएं हैं कई बार उन्हें पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ये जो मांग की है ये मांग गलत है।
जबलपुर में निवेश के लिए देश दुनिया के निवेशक जबलपुर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में पहुंचे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में 5 देशों और 9 राज्यों के 3500 से ज्यादा निवेशक शामिल हो रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और इसी दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी मौजूद रहे। जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में प्रमुख उद्योगपतियों, विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधियों और प्रमुख विदेशी प्रतिनिधियों सहित 3500 से अधिक उद्योग जगत से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगभग 60 इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन उन्होंने किया और इस मौके पर निवेशकों के साथ आमने सामने चर्चा भी हो रही है। निवेशकों में अदाणी समूह की डिफेंस यूनिट देख रहे अशोक वाधवान, सैन्य वाहन निगम लिमिटेड के सीएमडी संजय द्विवेदी, एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के राजेश चौधरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो वहीं छिंदवाड़ा में 15 नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी, साथ ही जबलपुर में बनेगा रेडीमेड टेक्सटाइल स्किल सेंटर, वहीं शिवपुरी में बारूद फैक्ट्री लगाई जाएगी। सुन के अच्छा लगता है कि पूरे दुनिया में कहीं भी कोई वॉल्वो ट्रक जाएगा तो इंजन की दिल की धड़कन अपने देश से धड़कती दिखाई देगी और मध्य प्रदेश का हिस्सा और बड़ा होगा। पीछे एमओयू हुए तो अभी तक तो हमारे यहाँ गन बनती थी, क्या बनती थी, तोप बनती थी, अब टैंक बनने का एमओयू हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने रक्षा संस्थान के माध्यम से। नहीं, एक करवट ले रहा, समय बदल रहा है और यहीं पे 16 औद्योगिक पार्क महाकौशल में जो विकसित किए जा चुके थे, 517 एमएसएमई की इकाइयां स्थापित है, 5725 करोड़ का रोजगार 20,000 लोगों को मिल रहा है। अब 20,000 लोगों के रोजगार के बलबूते पर, लेकिन आज भी अब जो बदलते दौर में लगभग 25 इकाइयों का भूमि लोकार्पण और 50 से ज़्यादा इकाइयों का एक साथ, ये कितना अच्छा गुलदस्ता बनाया है। सभी प्रकारों को चीज को समेकित रूप से जोड़ने का प्रयास किया। और इधर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल हुए लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने कहा कि सरकार का कदम भविष्य में उद्योगों को बढ़ाएगा, साथ ही युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर क्षेत्र में महाकौशल में अपार संभावनाएं हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए और सभी को इसकी जानकारी दी। जबलपुर में तकरीबन 3,500 इन्वेस्टर्स पहुंचे, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या बात हुई और क्या उन्हें संभावनाएं लगती। सर, आज जो कॉन्क्लेव हुआ है उसमें क्या आपको लग रहा है कि भविष्य की संभावनाएं? भविष्य की काफ़ी संभावनाएं हैं, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है कि हम एक स्किल सेंटर बना रहे हैं, यहाँ पे आज उन्होंने लॉन्च करा है, साथ ही साथ एक नया इंडस्ट्रियल एरिया भी जबलपुर में लॉन्च कर रहे हैं उमरिया में, तो संभावनाएं तो काफ़ी हैं और काफ़ी लोकार्पण और MOUs भी हुए हैं, तो सपोर्ट तो गवर्नमेंट का लैंड अलॉटमेंट और इन सब चीज़ों में काफ़ी हैं। आप किस सेक्टर में वर्क? हम लोग इथेनॉल सेक्टर में, हमारा इथेनॉल का प्लांट है मनेरी में, जबलपुर में हमारा, अभी हम लोगों ने मार्च में स्टार्ट किया है इथेनॉल का प्लांट। अगर बात करें महाकौशल की तो कितनी संभावनाएं आपको लगती हैं रोजगार को लेकर के या उद्योगों को लेकर के आज के कॉन्क्लेव? मुझे लगता है कि इस सब एक्टिविटी से करीब 10 से 15,000 जॉब्स क्रिएट होंगी लॉन्ग टर्म में। तो ये हैं जिनका कहना है कि 10 से 15,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। सर, किस सेक्टर में वर्क? मेरा तो वैसे सॉफ्टवेयर IT सेक्टर है, और लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, पहली बार ऐसा कोई इवेंट हुआ है और मैं इंदौर से हूँ तो इंदौर में तो हमने इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव भी देखी है, उज्जैन में भी जो इससे पहले जो रीजनल कॉन्क्लेव थी वो भी देखी है, और क्योंकि मैं इंदौर में मेरी कंपनी है और बाकी मैं अगर देखा जाए तो मैं सिवनी क्षेत्र से हूँ, तो सिवनी कहीं ना कहीं महाकौशल में ही आता है, तो यहाँ पे भी हम सोच रहे हैं कि कुछ IT से रिलेटेड या मेंटरशिप एंड जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर कुछ ऐसा लगता है तो हम यहाँ जरूर करेंगे। कनाडा की कंपनियों को रिप्रेजेंट करने वाले रविकांत तिवारी भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल हुए। उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की पहल से उद्योगों के लिए संभावनाएं बढ़ चुकी हैं और कृषि, डिफेंस सहित अन्य क्षेत्रों में काफी निवेश हो सकता है। जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश के साथ साथ विदेशों से भी इन्वेस्टर्स शामिल हुए हैं, कई बड़ी कंपनियों के अधिकारी भी यहाँ पहुँचे। सर, कहाँ से हैं आप और आज के कॉन्क्लेव में शामिल होने के बाद क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं हैं?
देखिए, मैं रहने वाला तो मध्य प्रदेश का ही हूँ, आई वॉज़ बॉर्न हेयर, बट मैं ऑन्टेरियो कैनेडा को रिप्रेजेंट करता हूँ मुंबई में। तो यहाँ अगर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ, काफ़ी संभावनाएं मुझे समझ में आई। सिंस आई बिलोंग टू दिस रीजन, मुझे लगा यहाँ आकर मैं देखूँ व्हाट्स हैपनिंग, और काफ़ी सेक्टर्स हैं जहाँ मुझे इस रीजन में संभावनाएं समझ में आती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, टूरिज्म। सो आई लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन फेब्रवरी 2025। उस समय हम लार्ज अपना डेलीगेशन भी लाना चाहेंगे ऑन्टेरियो कैनेडा से, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को और आगे लेकर जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में रविकांत तिवारी, जो कह रहे हैं कि 2025 तक वो यहाँ पर अपना डेलीगेशन लेकर आएंगे, और जो भी भविष्य की संभावनाएं हैं एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, अन्य क्षेत्रों में, उसमें निवेश कराने का प्रयास करेंगे। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा कि वो राज्यसभा सदस्य हैं, नगर निगम की बैठक में पहुंच गए, बताएं कि क्या चाहते हैं, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह का काम कभी आतंकियों को संरक्षण की बात करना, कभी सुंदरकांड का विरोध करना, तो कभी हिंदू धर्मावलियों का विरोध करना, राम मंदिर का विरोध करना है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग मेरे साथ हैं। सर, कल कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, वो जबलपुर में थे और निगम पार्षद। बड़ा आश्चर्य होता है, दिग्विजय सिंह जी 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अभी वो अपर हाउस के राज्यसभा के सदस्य हैं, आप नगर निगम की बैठक की राजनीति में पहुंच गए। दिग्विजय सिंह जी क्या चाहते हैं? उन्हें कहीं ना कहीं गंभीरता तो रखनी चाहिए। अब इस तरह से कभी आतंकवादियों को संरक्षण की बात करना, कभी सुंदरकांड का विरोध। इंदौर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। आईआईटी कैंपस के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सिमरोल के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नाम से आया है मेल। 15 अगस्त के दिन स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूल ने सिमरोला थाने में इसकी शिकायत की है। आईआईटी कैंपस की अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उमाकांत चौधरी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आईआईटी सिमरोल के अंदर पीएम केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो बना हुआ है, उसमें क्या धमकी मिली है? इसमें एक प्रिंसिपल के मेल पर मेल प्राप्त हुआ था, जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी, और उस पर से पुलिस के द्वारा जो मेजर्स हैं वो अपनाए जा रहे हैं। अभी प्राथमिक तौर पर जो धमकी भरा जो ईमेल आया था, उसके हिसाब से सिमरोल में एक धमकी का जो सेक्शन है उसमें केस दर्ज किया गया है, और उसके अलावा सुरक्षा